नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब आय से अधिक संपत्ति वाले कर्मचारियों की जांच हो, कर्मचारियों पर टैक्स चोरी का भी आरोप है। और यह खबर कहां से आई है और किसने छापी है, इसका हम आपको जानकारी देंगे। लास्ट तक देखें, इस पर अपने विचार लिखें। तो चलिए जान लेते हैं पूरी खबर क्या है और यह खबर किस अखबार या किस पत्र पत्रिका में छपी है, वो भी हम आपको लास्ट में नाम बताएंगे। तो आप लास्ट देखें, फिर उस पर अपने विचार लिखें। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है। सतना जिले के बिरसिंहपुर में शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अनेक कर्मचारी इन दिनों भ्रष्टाचार की कमाई कर ऐसो आराम फरमा रहे हैं। ज्ञात हो कि इन्हें जनता की सेवा के लिए शासन के द्वारा नियुक्त किया गया है, किंतु ये अपनी जेब भर भर के भोग विलास में जुटे हुए हैं। गरीबों का शोषण करके अपनी तिजोरियों में बड़े बड़े नोटों को समेट कर रखे हुए हैं और आम गरीब आदमी इनसे सेवाएं प्रदान करने के बजाय इधर उधर भटकता रहता है। जो व्यक्ति एक एक रुपये खून पसीनी कमाई करके अपने घर का गुजर बसर करता है, वही कर्मचारी अवैधानिक तरीके से इन गरीबों का शोषण करके अपने घरों की तिजोरियों को भरकर ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सरकारें कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। बीरसिंहपुर में पदस्थ शासकीय स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी एवं नगर परिषद बीरसिंहपुर पशु चिकित्सालय के साथ साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी भी इस भ्रष्टाचार की मायाजाल में फंसे हुए हैं, जो आम जनता का भरपूर शोषण करने में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं लगाते, करते हैं टैक्स की चोरी। ज्ञात हो कि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाओं के बदले सरकार से निश्चित समय पर अनेक प्रकार की सुविधाओं से ओतप्रोत निश्चित सैलरी प्राप्त करने के बावजूद भी बीरसिंहपुर में पदस्थ शासकीय कर्मचारी गरीबों से अवैधानिक तरीके से पैसे लेकर काम करते हैं, जिनका खुलासा अभी कुछ दिन पहले ही कुछ कर्मचारियों का हुआ था। ऐसे कर्मचारी अपनी तिजोरियों को तो भरते हैं, लेकिन शासन की टैक्स में चोरी करते हैं, जिससे नगर का विकास व देश का विकास अवरुद्ध होता है और इस ओर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की है लग्जरी व्यवस्थाएँ। बीरसिंहपुर में पदस्थ किसी भी कर्मचारी को देखा जाए तो इन दिनों लग्जरी परिवेश में रहता है। अनेक जगहों पर बड़े बड़े प्लॉट खरीदकर बड़ी बड़ी हवेलियां बना रखे हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने लिए लग्जरी कारें भी रखते हैं। इतनी आय से अधिक संपत्ति कहां से है और कैसे प्राप्त हुई, इस ओर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और इनकी जाँच होनी चाहिए। दोस्तों, यह खबर हमें दैनिक सतना स्टार से प्राप्त हुई है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं।